आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उनको फल देते हैं। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर से बाहर आते ही उसे देखकर भगा देता। कई बार उसके लिए गालियां भी निकालता। वो कहता, तुम जिंदा ही क्यों हो? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगोगे? धरती का बोझ हो। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से से धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बहुत नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था। तभी वो भिखारी उसके दरवाजे पर आया। गुस्से में अपना आपा खोया हुआ सेठ उस भिखारी को पत्थर मार देता है। पत्थर लगने के कारण भिखारी के सर से खून निकलता है। उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरे लिए अच्छा ही शब्द निकाला। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ मन ही मन भिखारी का रहस्य जानने के लिए भिखारी के पीछे जाने लगा। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे ही जाता। सेठ ने देखा, कोई उसको खाना देता, कोई उसे मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गालियां देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो काट से उठ खड़ी होती है। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे को देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? हाँ, आपके सिर से खून कैसे निकल रहा है? चोट कैसे लगी? भूखा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। सब ने गालियां दी और एक पत्थर भी मार फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का ही फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास वो हर चीज थी जो हमारी जरूरत की हो, लेकिन कभी हमने दान नहीं किया, और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया। हमारे द्वार भीख मांगने आया था। बूढ़ी पत्नी की आंखें आंसू से भर गई। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका अपमान किया करते थे, कभी कभी तो मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें सजा देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम आज दुखी भरी जिंदगी जी रहे हैं। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच में सत्य हो गया, इसलिए किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी वह तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करे। हमें हमेशा उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में भी पाप की ऐसी सजा किसी को भी ना मिले। सेठ वहीं पर चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी वह आधी रोटी मिलकर बांट कर खा गए। भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने आया सेठ के घर के पास। सेठ ने पहले उसे गरम गरम रोटियां निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।